हाँ और देखना चर्चा होगा न्यूजी यौगिकों के नामकरण के कुछ सामान्य नियम है। जैसे हम लोग कार्बनिक यौगिकों में यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करते हैं, उसी प्रकार ये सहसंयोजी यौगिकों का भी कुछ आईयूपीएसी नाम होता है और नामकरण में कुछ नियम है, उन्हीं नियमों का आज चर्चा होगा। इसमें संकुल होता है, जैसे कोई यौगिक है के फोर एफ ई सी एन सिक्स, ये आपका ये संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक में ये जो है आपका अनआयनित भाग है, ये आयनित भाग है। इस भाग को जो बड़े कोष्टक में है, बड़े कोष्टक वाले भाग को उप सहसंयोजक मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और ये जो होता है आयरन, वो सेंट्रल मेटल एटम है। और ये जो है साइनाइड, यहाँ पर लिगेंड का कार्य कर रहा है। तो इसमें नियम को देखेंगे थोड़ा सा। इसमें आयनिक संकुलन, जो इसमें आयनाइज किया जाएगा, तो आयनाइज हो रहा है तो क्या बदलेगा, जैसे के फोर चार धन आवेश हो जाएगा पोटेशियम पर, और आयरन जो होगा वो सी एन सिक्स फोर माइनस चार, मतलब जैसे ये हेक्सा साइनो फेरा आयन कहा जाएगा, हेक्सा साइनो फेरा आयन बोला जाएगा। तो यहाँ पे आयनिक संकुलन में सबसे पहले धन आयन का नाम लिखते हैं, फिर आयन का। जैसे इसी को ले लिया जाए तो धन आयन इसमें क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, और ये एफ सी एन सिक्स ऋण आयन है। तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऋण आयन का। सामान्यतः यौगिकों में यौगिक का जब नामकरण होता है तो उस यौगिकों में क्या होता है कि पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर संकुल यौगिकों के नामकरण में भी वही कंडीशन है, पहले धनायनों का नाम लिखते हैं फिर हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। जो सामान्य यौगिक का ही नियम है, सामान्य यौगिक में पहले धनायन का, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम धनायन होगा, तो सोडियम का पहले नाम लिखा गया फिर ऋणायन का नाम लिख दिया जाता है। और आयनिक संकुलों का नाम जो है, अगर आयनाइज नहीं हो रहा, जो आयनाइज हो रहा है तो ठीक है, अगर आयनाइज नहीं हो रहा है तो वहां से किसी एक शब्द का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आयनाइज के लिए। तो आयनाइज हो रहा है तो अगर जो यौगिक, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह आयन में कन्वर्ट होने पर सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। उप सहसंयोजी क्षेत्र में सबसे पहले, अब जब आपका यौगिक बन गया मतलब धनायन का होगा, ये उप सहसंयोजी क्षेत्र कहा जाता है। के फोर एफ सी एन सिक्स में एफ सी एन सिक्स उप सहसंयोजी क्षेत्र या उप सहसंयोजन मंडल कहोगे। उस मंडल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हो, तो लिगेंड का नाम साइनाइड है, तो यहाँ पे साइनाइड का नाम लिखोगे या लिगेंड का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हो या केंद्रीय धातु का। फिर उसके बाद लिखते हैं आक्सीकरण संख्या, या जितनी संख्या में रहेगा, जैसे यहाँ पे छह है तो हेक्सा हो जाएगा, दो है, दो अगर लिगेंड है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सिक्स है तो हेक्सा लिखेंगे, और उसके बाद उसके आक्सीकरण संख्या लिख दिया जाता है। मतलब जो सेंट्रल एटम आक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु का लिखा जाएगा। जैसे हेक्सा साइनो फेरस सेकेंड, जिसमें आयरन की जो आक्सीकरण के फोर या पी सी एन सिक्स में आयरन की जो आक्सीकरण संख्या होगी प्लस दो होता है, तो ये रोमन अंक में लिखा जाता है। इस प्रकार यहाँ पे दो है तो प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता है, केवल रोमन अंक में वो संख्या को लिख देते हैं। और उसके बाद जो लिगेंड के नामकरण में ये लिगेंड अंत में आते हैं, अगर लिगेंड की बात करेंगे तो लिगेंड कई प्रकार के मिलेंगे,
तो लिगेंड, जिस लिगेंड के लास्ट में आईडीई होता है, तो आईडीई के कार्ड के स्थान पर आपका ओ लिख दिया जाता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, उसमें लिखोगे क्लोराइड को क्लोराइडो कहोगे, कहेंगे ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो बोलेंगे, नाइट्राइट को नाइट्राइटो बोलेंगे, नाइट्राइटो बोलेंगे, और साइनाइड को साइनाइडो बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें आई डी ई जिसके भी अंत में रहेगा उसके आई डी ई के स्थान पर ओ का यूज कर देंगे, और वे लिगेंड जिसके अंत में ई या आई टी ई या ए टी ई होता है, जैसे आर्गलेट, कार्बोनेट, सल्फेट, तो इसमें कार्बोनेट ए टी ई के स्थान पे ओ को जोड़ देते हैं, तो आर्गलेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, इस प्रकार हो जाता है। और यदि संकुल ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु में ए टी ई, यदि संकुल आपका ऋणात्मक रहेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु में यह ए टी ई को जोड़ देते हैं। संकुल यहाँ पे संकुल ऋणात्मक है, मान लो कभी कभी धनात्मक हो जाएगा या उदासीन होगा, तो वहां पर इसके सेंट्रल मेटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब सेंट्रल, जब आपका उपसा संयोजी क्षेत्र या ये जो भाग है कोष्ठक, बड़े कोष्ठक वाला जिसे उपसा संयोजन क्षेत्र या मंडल कहा जाता है, वो ऋणात्मक है तो उसे केंद्रीय धातु में जो आयरन है तो उसको फेरस बोलोगे, और फेरस क्या कहते हैं कि चांदी है तो अर्जेंट बोलोगे, और जिंक है तो जिंकेट बोला जाता है, और उसके बाद ऑरेट है या सोना है तो उसको ऑरेट बोलते हैं, और उसके बाद प्लेटिनम है तो प्लेटिनम तो कहा जाता है। इस प्रकार का ऋणात्मक आयन में है। यदि संकुल आपका धनात्मक या उदासीन है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये था कुछ नियम जो उपसा संयोजी यौगिकों के आईपीएसी नामकरण से संबंधित था। अब देखेंगे कुछ यौगिकों के नाम। जैसे के फोर एफ ई सी एन सिक्स है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। तो धनायन अगर इसको आयनाइज हम करें तो फोर के प्लस चार्ज प्लस एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस चार्ज होगा, तो ये आपका पॉजिटिव आयन है और ये है नेगेटिव हो गया। ठीक, तो सबसे पहले सामान्य नियम के आधार पर धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का लिखते हैं। तो धनायन में जो लिखेंगे आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। अब ये ऋणायन में आ जाइए, ऋणायन में सबसे पहले नियम था कि आप संकुल को लिखोगे, संकुल आयन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं जो सेंटर में होगा, फिर उसके बाद मेटल के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। तो उसमें साइनाइड है तो साइनाइड कैटो है, हेक्सा, साइनाइड के स्थान पे हम क्या करेंगे, आईडीई है साइनाइड या सी वाई एन आई, सी वाई ए एन आई डी ई है, आई डी ई है तो ओ को जोड़ दोगे, इनके स्थान पर ओ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छह कार्बन है तो हेक्सा साइनो, और उसके बाद साइनो, साइनो हो गया, आयरन को यहाँ पे फेरस होता है, डबल बॉन्ड है मतलब जो समझता है तो फेरस होता है, फेरिक होता है, तो उसको ऋणावेश में है फेरट, फेरट, और आवेश कितना हो जाएगा, आवेश सेकेंड होगा इसका, तो ये इस प्रकार इसका नाम लिखा जाता है। या जैसे के थ्री एफ ई सी सिक्स है, के थ्री एफ ई ई एन सिक्स में देखा जाए तो ये ऋणायन धनायन होगा, ये ऋणायन हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरस। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है तीन है तो यहाँ पे थर्ड को दिखाएंगे, इस प्रकार इसकी नामकरण को हम लोग देखते हैं। जैसे ए डी एन एच सी वाई
Cl, Ag NH3, Ag NH3 twice Cl. तो इसमें धनायन ये हो जाएगा, अगर इसको आयनाइज किया जाएगा तो Ag NH3 twice Cl minus. तो धनायन ये प्लस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज हो गया. तो सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन, डाई एमीन रिडावेश था, रिड हो गया ये. तो कापर सी यू डबल पी सी आर, इसमें कापर को दिखाएंगे, कापर कहाँ होगा सॉरी सिल्वर रहेगा ना, सिल्वर. अब उसके बाद सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका फर्स्ट रहेगा, क्योंकि Ag पर एक धनावेश होता है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है. इसको फर्स्ट लिखने के बाद अब इसको उसके बाहर है, उपसा संयोजन क्षेत्र के बाहर है, इसको क्लोराइड लिखोगे. तो इसको कोष्टक में बंद कर दिया गया. इस प्रकार इसका मतलब डाई एमीन सिल्वर, अगर मान लो ये आपका रिडावेशित होता तो वह अर्जेंटेड लिखा जाता, अर्जेंटेड मतलब चांदी के लिए लिखा जाता, और ये रिडावेशित है, रिडावेशित नहीं धनावेशित है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा. जैसे एक और है सी ओ एन एच थ्री, सी ओ एन एच थ्री, सी ओ एन एच थ्री सिक्स सी एल थ्री, सिक्स सी एल थ्री, इसमें यह माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो हेक्सा एमीन हो जाएगा, हेक्सा एमीन प्लस में कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट कितना हो जाएगा, इसकी आखिरी संख्या कितनी है, एक दो तीन, हाँ तीन हो जाएगा. तो इसमें क्या दिखाएंगे, हेक्सा एमीन हेक्सा एमीन हेक्सा एमीन कोबाल्ट तीन, थर्ड कर देंगे, थर्ड क्लोराइड. ये धनावेशित होगा, ये ऋणावेशित होगा, नियम के अनुसार हम पहले धनावेश का करते हैं फिर ऋणावेश का करते हैं. इसमें धनावेश आपका संकुल हो गया, तो संकुल का करते वक्त सबसे पहले हम लिगेंड का करते हैं, अमोनिया लिगेंड है, लिगेंड छत हुआ है, तो हेक्सा करेंगे, एमीन करेंगे, इसके लिए हेक्सा एमीन कोबाल्ट है, सीओ कोबाल्ट. अब उसके बाद आक्सीकर संख्या इसकी एक सीएल का एक ऋणावेश, तो तीन पर तीन तो हो जाएगा ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश हो जाएगा, तो कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका क्लोराइड दिखा देंगे. ठीक, ये है कुछ यौगिकों का, जैसे इसका नामकरण हम करते हैं तो ये आपका ऋणावेशित होगा, ये धनावेशित होगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे. तो जिसमें आपका ये लिगेंड है और ये जो है सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये तो अनायनिक भाग हो गया, तो इसका नामकरण करोगे तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, फिर आक्सीकरण संख्या क्रोमियम का तीन आ जाएगा, थर्ड क्लोराइड, इस प्रकार इसका नामकरण करोगे. और इसमें हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाएगा. जैसे अब कुछ यौगिक ऐसा देखा जाए जो इसमें एक से अधिक हो लिगेंड, जैसे सी आर सी एल टू, सी आर सी एल टू एच टू ओ फोर, एच टू ओ फोर सी एल, सी एल टू, अब इसमें ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये आपका संकुल हो जाएगा. तो सबसे पहले धनायन का हम लोग करते हैं, तो अब इसमें दो लिगेंड है, एक सीएल है, एक तो आपका एच टू है,
तो H2O का प्रारंभ एक्वा से होगा, ए से शुरू होता है, क्लोराइड का जो होता है वो सी से होता है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा। सबसे पहले हम जो लिगेंड का कर रहे हैं तो सबसे पहले लिगेंडों में उस लिगेंड का करेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा, तो फोर टेट्रा एक्वा डाई टेट्रा एक्वा हो जाएगा, और उसके बाद डाई दो ठो डाई क्लोराइडो। अब क्रोमियम की जो ऑक्सीकर संख्या यहाँ पे होगा, क्रोमियम की ऑक्सीकर संख्या ये दो नहीं एक है तीन होगा, टेट्रा एक्वा चार H2O हो गया और दो ठो क्लोराइड हो गया, एक PCl यहाँ पे हो जाएगा, तो क्रोमियम CHRO क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार जब एक से अधिक लिगेंड मिले तो उसमें लिगेंड का संख्या के आधार पर नाम लिखते हैं, जितनी संख्या है उसको लिख दिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका क्या लिखते हैं किस शब्द का उपयोग किया जाता है वो, फिर उसके बाद अल्फाबेट से पहले जो आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका बाद में लिखते हैं। जैसे इसका करते हैं हम नामकरण, ये माइनस चार्ज होगा ये प्लस चार्ज होगा, मतलब संकुल आपका धनायन है तो धनायन नियम के अनुसार हम नामकरण धनायन से शुरू करेंगे, तो धनायन में आपके कोबाल्ट है, ये कार्बोनेट है, ये अमोनिया है, अमोनिया 5 ठो है, कार्बोनेट 1 ठो है, तो अमोनिया का ए से शुरू होगा एमीन और ये सी से शुरू होगा, तो इसमें 5 ठो लिखा देंगे हाई पेंटा पेंटा एमीन कार्बोनेटो कार्बो कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो कोबाल्ट कार्बोनेटो COBALT, दो ये ऋणावेश हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्लोराइड, ये होगा मतलब पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड उसके बाद क्लोराइड। अब इसमें की ऑक्सीकरण संख्या कैसे आएगा, ऑक्सीकरण संख्या में दो ऋणावेश है, एक दो ऋणावेश है मतलब एक कार्बोनेट पर दो ऋणावेश होता है CO3 दो माइनस चार Cl पर एक माइनस चार, ये दोनों ऋणावेश जो है इसमें ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार पेंटा जब इसकी संख्या एक से अधिक होगी, मतलब लिगेंड की संख्या एक से अधिक हो, तब उसमें उसको दिखाया जाता है कि ये जैसे देखिए एक यौगिक है इसमें भी H2O है और NH3 है, इस प्रकार के यौगिक में एमीन से AB शुरू होता है, AM आता है, AQ आएगा, A से ही दोनों शुरू होगा, ये होगा AMM AQ, तो इस क्यू AA समान है तो आपका M पहले आएगा क्यू से, तो पहले हम एमीन को रखेंगे, तो इसमें भी माइनस है ये प्लस है, तो धन आवेश में आपका संकुल है, संकुल में ये लिगेंड है, लिगेंड में वो भाग लिखेंगे जो एमीन का दिखा रहा है, क्योंकि एमीन और दोनों ए से शुरू है, ए से शुरू होने के बावजूद भी हम इसलिए दिखाएंगे एमीन को क्योंकि एमीन में ए के बाद एम पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, तो टेट्रा चार टेट्रा एमीन टेट्रा एमीन है, इसकी संख्या 2 है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा डाई एक्वा के बाद उसके बाद क्योंकि UPPER कॉपर कॉपर में ऑक्सीकरण संख्या जो होगा CO से शुरू होता है 2, ये भी उदासीन है भी उदासीन, तो डबल करेंगे और उसके बाद CHClorID क्लोराइड, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर क्लोरा कॉपर 2 ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो सेकेंड क्लोराइड कर देंगे इसको, इस प्रकार इसमें नाम लिखेंगे। और अब
देखेंगे आगे कैसे देखें, एक ये आयन है अब उसमें यौगिक था, अब कुछ आयनों का देखा जाए जो नामकरण है। अब इसमें जैसे ये क्या है, धनावेश है अवेशित है, तो धनावेश में अगर आयन होता है यौगिक होता तो धनावेश का पहले देखते, लेकिन अब इसमें अगर इसको देखेंगे तो डाई एमीन, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन के बाद ये आपका सिल्वर आक्सीकरण क्या, हाँ डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, इस प्रकार आयनों का लिखे, सब कुछ वही रहेगा बस उसमें आयन को जोड़ दिया जाएगा। जैसे ये है, ये आपका धनावेश था, ये ऋणावेश है, इसमें हो जाएगा टेट्रा साइनो, साइनो करेंगे ऋणावेशित है उसके अंदर है, वैसे बाहर रहता है साइनाइड देखते हैं अंदर है, अब ऋणावेशित है तो निकिल लिखेंगे एन आई सी के एल, निकिल को ऋणावेश है तो निकिल को निकलेट करेंगे, निकलेट और आक्सीकरण संख्या जो इसकी होगी चार माइनस इसका यहाँ पे दो आक्सीकरण संख्या होगा, ये आयन लिखेंगे, मतलब टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन, ये हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। इस प्रकार ये आयनों का भी उसी प्रकार लिखा जाता है जैसे उसमें लिखते थे। अब जैसे एक है पी टी सी एल सिक्स टू माइनस चार्ज, अब दो माइनस चार्ज है तो अब इसमें क्या करेंगे, सी एल है हेक्सा क्लोराइडो करने हेक्सा क्लोरो आवेशित है ना, हाँ हेक्सा, ये हो जाएगा क्लोराइडो हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो ये ऋण आवेश ऋण आवेशित है तो प्लेटिनम की जगह पे प्लेटिनेट करेंगे, प्लेटिनेट प्लेटिनेट फोर हो जाएगा आक्सीकरण, छह में से दो घट जाएगा फोर आयन, प्लेटिनेट आयन है तो ये आपका टी आई टी आई एन ए टी, ठीक है ये हो जाएगा। अब उसमें जैसे ए यू ए यू सी एन फोर है, ए यू सी एन फोर एक माइनस चार्ज है, ए यू सी एन फोर एक माइनस चार्ज, उसमें साइनाइड ऋणावेशित है तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा साइनो, वैसे ऋणावेशित में ऑरेट ए यू आर ए टी ऑरेट, ऑरेट के बाद ये आप आक्सीकरण संख्या को दिखाएंगे तो चार माइनस ऋणावेशित होगा तीन आयन, मतलब टेट्रा साइनो ऑरेट थर्ड ऋणावेशित है तो ऋणावेशित में सेंट्रल मेटल एटर में ए सी ई जुड़ता है, जैसे इसमें जुड़ा है प्लेटिन को प्लेटिनेट निकिल को निकिलेट, ये आयन के रूप में दिखाएगा। जैसे एक और है बी एफ फोर एक माइनस चार, इसमें क्या होगा टेट्रा टेट्रा फ्लोराइडो बोरेट टेट्रा टेट्रा फ्लोराइडो टेट्रा फ्लोराइडो और उसके बाद आएगा टेट्रा फ्लोराइडो थर्ड आई ओ एन थर्ड आयन, मतलब चार माइनस चार्ज होगा एक इधर जाएगा घटेगा टेट्रा फ्लोराइडो थर्ड आयन, ये हो जाएगा आपका बी एफ फोर माइनस चार्ज के में। जैसे यफ्टीसीएन ऐसे क्या होगी क्या यफ ई ई एन सिक्स चार माइनस चार्ज है, क्या हो जाएगा माइनस चार्ज है, ये हो जाएगा हेक्सा साइनो थायरेट
साइनाइड है, छह से चार जाएगा, दो आस्तिकर संख्या इसकी दो आएगी। अब लिख दोगे आयन, हेक्सा मतलब छह सौ साइनाइड है, साइनाइड दृढ़ावेशित है, मतलब पूरा जो संकुल है दृढ़ावेशित है, दृढ़ावेशित में हेक्सा अंदर लिखोगे तो साइनो लिखोगे, साइनो आयरन को यहाँ से फेरस को फेरेट करोगे, फेरेट में दो आक्षिकर संख्या है, उसके बाद आयन लिख देते हैं। और इसी प्रकार आपका एफ ई सी एन तीन माइनस चार होगा, इसमें भी होगा हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन, इस प्रकार दिखाया जाएगा, बस इसमें आयन का अंतर रहेगा क्योंकि इसमें दोनों के फोर एफ सी एन सिक्स और के थ्री एफ सी एन सिक्स में केवल आक्सीकरण संख्या बदलेगा और आयरन की साइनाइड की संख्या वही रहती है। यह था कुछ यौगिकों का नामकरण। अब उसमें कुछ थोड़ा सा जटिल कुछ यौगिक हैं, उनका देखते हैं। जैसे एक यौगिक है, FeCO4 5 है, इसमें जो होगा CO का पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो, इसकी आक्सीकरण संख्या को दिखाते हैं।